हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने का ऐसा तरीका बताएंगे जिसका प्रयोग करके आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोई भी वायरस जैसे कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे इसके लक्षण हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अब तक कोई भी टीका ऐसा नहीं बना जो कोरोना वायरस को फैलने से रोके। बस एक सावधानी है जो हमें बरतनी है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए काफी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके मुताबिक हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अंडे और मांस के सेवन से बचना चाहिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, इन सारी बातों का अगर आप ईमानदारी से पालन करते हैं तो कोई भी वायरस आपको छू नहीं पाएगा और हमें इन सब बातों का पालन भी करना है, वो भी बड़ी सख्ती से। दोस्तों, हर साल देश में कोई न कोई फ्लू फैलता है। इस वर्ष कोरोना वायरस का बोलबाला है जिसकी शुरुआत चीन से हुई है। चीन में अपनी धूम मचाने के बाद ये अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देशों में फैलता हुआ हमारे भारत में भी आ गया। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। सबसे जरूरी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि वायरस, कोई भी वायरस तब तक आदमी को छू नहीं सकता जब तक उसकी इम्यूनिटी पावर ठीक होगी। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी तभी वो बीमारियों की चपेट में आएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्ट करना है। दोस्तों, यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। दोस्तों, यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है तो आप सेहत की समस्याओं से बचे रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी है तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है और आपको अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। दोस्तों, क्या आपको अक्सर सर्दी, जुकाम, एलर्जी या शारीरिक कमजोरी रहती है? अगर हाँ तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने के ही लक्षण हैं। दोस्तों, संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमजोरी से गुजर रहा है तो उसके संक्रमण की चपेट में आने के आसार और भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनसे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं रहेगा। दोस्तों, वो नुस्खा है जीरा और गुड़ का पानी। दोस्तों, जीरा हमारे खाने के स्वाद और खुशबू को बढ़ा देता है। बिना जीरे के तड़के वाली सब्जी फीकी सी लगती है। वहीं गुड़ की मिठास से मीठे पकवानों का जायका और भी बढ़ जाता है। गुड़ और जीरा यूं तो हमारे खाने का बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि गुड़ और जीरे का पानी आपको और आपके परिवार को कई बीमारियों से बचाकर रखता है। दरअसल आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं वो आपको कई बीमारियों से मुक्त करने में मदद करेगा। दोस्तों, आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती उम्र के कारण जिसे देखो हर आदमी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित रहता है। दोस्तों, ये बीमारियां तभी आती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण है आपकी दिनचर्या, आपके खाने पीने का तरीका और रोग प्रतिरोधक क्षमता का जन्म से कमजोर होना, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या अन्य दवाओं का प्रयोग करना, अंग प्रत्यारोपण के बाद उस अंग को सक्रिय रखने के लिए ली जाने वाली दवाओं के सेवन से, इन सब कारणों से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है। इम्यून सिस्टम अगर किसी का कमजोर है तो वो कैसे पहचाने कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है? दोस्तों, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन्हें अक्सर खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, बेचैनी, सिर दर्द, भूख न लगना जैसी कई समस्याएं घेरे रहती हैं, जिसके इलाज के लिए पहले तो वो एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में घूमता रहता है और ढेर सारी दवाओं पर पैसा खर्च करता है। लेकिन इससे एक तो पैसे की बर्बादी होती है और दूसरे हमारे समय और सेहत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हम आपको इन बीमारियों से बचने के लिए गुड़ और जीरे से बनी औषधि के बारे में बताएंगे जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको गुड़ और जीरे के पानी को कैसे बनाना है। आपने एक चम्मच जीरा लेना है। दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम व मैग्नीज भी पाया जाता है। एक चम्मच आपको गुड़ का चूरा लेना है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है। अब आपने क्या करना है, 2 कप पानी लेना है
हैं और उसमें गुड़ और जीरे का मिश्रण डाल लें। अब इसे गैस पर रख दें उबलने के लिए। इसे तब तक उबालें जब तक ये एक कप ना रह जाए। इसे एक कप में छान लें। दोस्तों ये आपकी औषधि तैयार है आपके सेवन के लिए। अब इस औषधि का आपने सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट इसका सेवन करना है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती जाएगी। दोस्तों इसे पीने से आपको फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपका एनीमिया की समस्या दूर हो जाएगी। इन दोनों चीजों में आयरन होता है जिससे हमारे शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और हमें एनीमिया का खतरा नहीं रहता। और इस ड्रिंक से हमारा खून भी साफ होता है। जब हमारा खून साफ होगा तो हमारी गंदगी भी साफ हो जाएगी अंदर से, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी इससे बढ़ेगी। गुड़ और जीरा प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है जो शरीर में से सारे विषैले तत्व और गंदगी बाहर निकाल देते हैं और जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे कोई भी गंभीर बीमारी आसानी से आपको नहीं लग पाती। दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए हमारे पास दो और उपाय भी हैं। इनका इस्तेमाल करके भी आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारा पहला उपाय है अदरक और गर्म पानी। एक चम्मच आपको कुटा हुआ अदरक लेना है। नुस्खा बनाने के लिए दोस्तों आपको एक चम्मच कुटा हुआ अदरक लेना है। एक कप से थोड़ा ज्यादा पानी लें। सबसे पहले पानी को आप गर्म करने के लिए रख दें। पानी को हल्का गर्म हो जाने पर इसमें अदरक डाल लें। अब इसे ढककर 3 मिनट तक उबलने दें। अब इसे छानकर सेवन कर लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में आपने 2 बार करना है। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी। दोस्तों आप अदरक का सब्जी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी फायदों में अदरक का प्रयोग किया जाता है। ये न्यूट्रिशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया से शरीर के कई प्रकार के रोगों को ठीक कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मांसपेशियों के दर्द पर प्रभावी असर भी दिखाता है। तो दोस्तों आप अदरक और गर्म पानी का जरूर सेवन करें और गुड़ और जीरे का भी सेवन करें। गुड़ और जीरे के पानी का सेवन करें। अब आपको दूसरा नुस्खा बताते हैं, लहसुन और शहद का नुस्खा। लहसुन की 3 से 4 कलियां लेनी है। आधा चम्मच आपको शहद लेना है। सबसे पहले लहसुन को कूट कर इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें शहद मिला लें। इस पेस्ट का आपने सेवन करना है सुबह या फिर शाम। आप एक टाइम इसका सेवन करें, या तो आप सुबह करें या फिर शाम करें। लहसुन और शहद कैसे लाभकारी है आइए जानते हैं। लहसुन के प्रयोग से इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लहसुन में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में अहम भूमिका निभाता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हमें कोई भी बीमारी जकड़ नहीं पाएगी और हम हमेशा ठीक रहेंगे। तो दोस्तों ये थे नुस्खे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के। आप भी इन नुस्खों को अजमाएं और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, जिससे कोई भी बीमारी कोई भी वायरस आपको छू नहीं पाए। तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और अपने लिए फायदा उठाएं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।